इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास है आईटेल का मोबाइल तो आप अपने आईटेल के मोबाइल फ़ोन में दोस्तों स्क्रीन टाइम आउट आप कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन के ऑफ होने का टाइम कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब जब आप स्क्रीन पर टच नहीं करें तो कितने देर के बाद आपका स्क्रीन का लाइट बंद होना चाहिए, उसका टाइम आप कैसे सेट करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। इसके लिए आपको आईटेल मोबाइल फोन के सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, डिस्प्ले पर क्लिक करना है। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ स्क्रीन टाइम आउट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके फोन में 30 सेकेंड सेलेक्ट होगा या दोस्तों आपके फोन में 15 सेकेंड सेलेक्ट होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर 15 सेकेंड सेलेक्ट है या 30 सेकेंड सेलेक्ट है तो स्क्रीन का लाइट 30 सेकंड तक तो ऑन रहेगा, लेकिन 30 सेकंड से ज़्यादा देर तक अगर आप स्क्रीन पर टच नहीं करेंगे तो स्क्रीन बंद हो जाएगा या फिर स्क्रीन लॉक हो जाएगा। तो आप यहां से जो टाइम सेट कर देंगे उतने देर तक आपका स्क्रीन ऑन रहेगा। आप चाहें तो यहां से 1 मिनट रख सकते हैं और आप यहाँ से चाहें तो 2 मिनट रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से 5 मिनट को रख सकते हैं। तो अगर अब आप 5 मिनट को सेलेक्ट करेंगे तो 5 मिनट तक स्क्रीन ऑन रहेगा और 5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप स्क्रीन टाइम आउट सेट कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन ऑफ होने का टाइम आप सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा।